अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज वापस से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 जो हमारी चल रही थी, और आज इसको ख़त्म कर लेंगे। सिर्फ हमारा एक टॉपिक रह गया यूनिट 5 में, 8086 में, वो है वर्चुअल 8086 मोड। सही है? बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब हमने फीचर्स डिस्कस किए थे इनसेम वाली वीडियोज़ में, तब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे 8086 में तीन ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, है ना? पहला कौन सा था बताओ? बताओ। यस, रियल मोड। दूसरा था हमारा प्रोटेक्टेड मोड। तीसरा था हमारे पास वर्चुअल मोड। सही है, वर्चुअल 86 मोड। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑन होता है तो रियल मोड में होता है, जिसमें वो एकदम 8086 की तरह वर्क करता है, बिल्कुल फास्ट 8086 की तरह वर्क करेगा। फास्ट इसलिए क्योंकि क्लॉक स्पीड यहाँ पर हाई है उसमें, है ना? बाकी सारा का सारा मैकेनिज्म उसका 86 की तरह होगा। फिर जब प्रोटेक्टेड मोड में आ जाता है, तब फिर हमारे पास 8386 के सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्यों अवेलेबल होते हैं? अब तो तुम लोग को सब पता चल ही गया कि हमारे पास सारी की सारी टेबल्स होती हैं। पेज टेबल होती है, पेज डायरेक्टरी टेबल होती है, उसके अलावा फिर हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के लिए ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होती है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स होती हैं। तो ये सारी टेबल्स हमारे पास कहाँ होती है? मेमोरी में होती है। तो ये सारी की सारी टेबल्स पहले हमें लोड करनी पड़ती है अपनी मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में, तब हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म काम करेगा। और जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जस्ट ऑन हुआ है तो रैम तो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, तो वो तो फौरन सब कुछ जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ऑफ हुआ सारे कंटेंट उसके इरेज हो जाते हैं, तो तब रैम में हमारे पास कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोटेक्शन मोड नहीं अवेलेबल कर सकते। तो हम क्या करते हैं, रियल मोड में लाते हैं पहले, फिर सारी टेबल जब लोड होती है फिर प्रोटेक्टेड मोड हमारा स्टार्ट होता है। सही है? अब अगर हमें वापस से 8086 मोड में जाना है, मतलब हमें वापस से कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना है जो 8086 में चलता था, सही, 86 वाला हम लोग को कोई प्रोग्राम चलाना है, तो हमारे पास वापस रियल मोड में जाने का ऑप्शन नहीं है। हम लोग कहाँ जा सकते हैं? वर्चुअल मोड में। और वर्चुअल मोड में कैसे जाते थे? V86 मोड में हम लोग कैसे जाते थे, याद है? एक हमारे पास वी एम बिट थी, वी एम बिट को हम लोग वन करते थे तो वर्चुअल 86 मोड में आ जाता था, और अगर जब वो बिट जीरो होती थी तो वापस से जाकर वो नॉर्मल प्रोटेक्टेड मोड में चलने लगता था। ठीक है, ये बात याद है आप सबको, रिकैप हो गया है अभी तक जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वर्चुअल 86 मोड क्या होता है। कि ये एक एनवायरनमेंट है जो हमारा 8386 में प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि हम लोग 86 वाले प्रोग्राम्स भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उनको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हम लोग वर्चुअल जो है वो 8086 का एनवायरनमेंट जो है सिमुलेटर होता है, इम्यूलेटर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में आप लोग गेम खेल सकते हैं, है ना? तो मोबाइल में अब बिल्कुल 8-bit वाले गेम भी आ रहे हैं, कॉन्ट्रा, मारियो, है ना? जो बिल्कुल छोटे वाले गेम होते थे, बिल्कुल छोटे से उसके दो हत्थे होते थे, दो बटन से चलता था वो, है ना? तो वो वाले गेम्स भी आप लोग मोबाइल में खेल सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल उस वाले गेमिंग कंसोल को इमुलेट कर रहा है ना? इसको होता है इमुलेटर। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल 8086 मोड में हमारा 386 को इमुलेट करता है, जिससे कि वो वाले प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ पर चल सके। अच्छा, फायदा क्या है इसका? यही काम हमारा रियल मोड में भी हो रहा है, यही काम हमारे पास 86 मोड, वर्चुअल 86 मोड में भी हो रहा है। तो वर्चुअल 86 मोड में फायदा हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल है, है ना? जो हमारे पास रियल मोड में नहीं थे, है ना? तो यहाँ हम लोग 386 में सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, सारी पेज टेबल्स हमारे पास हैं, तो प्रोटेक्टेड भी है हमारा एनवायरनमेंट, और हम लोग 8086 के प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हैं। ठीक है, वो वीएम बिट जो है जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड में, वो हमारे हाथ में नहीं है। याद होगा तुम लोग को, वो नॉर्मल यूजर लेवल का प्रोग्राम तो वैसे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फ्लैग्स को चेंज करना आसान बात नहीं है, है ना? फ्लैग्स आसानी से चेंज, मतलब फ्लैग रजिस्टर जो है उसकी वैल्यूज आसानी से चेंज नहीं होती, तो सिर्फ सीपीएल जीरो वाला प्रोग्राम एक तो उसको चेंज कर सकता है। तो सही है कि माइक्रो प्रोसेसर उसको खुद चेंज करता है। खुद चेंज कब करता है? देखो, हमारे पास था डिस्क्रिप्टर, ठीक है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था हमारे पास। तो अगर किसी के कोड डिस्क्रिप्टर में, ठीक है, कोड सेगमेंट के किसी डिस्क्रिप्टर में हमारे पास, याद है तुम लोगों को, एक डी बिट थी। जैसे सारे डिस्क्रिप्टर में हमारे पास डी बिट होती है, नीचे की तरफ ग्रैनुलैरिटी बिट थी, फिर एक डिफॉल्ट बिट थी। तो डिफॉल्ट बिट अगर जीरो या वन होती थी हमारे पास, तो उससे हमें पता चलता था कि अगर वन है इसका मतलब 32-bit का सेगमेंट, मतलब 32-bit का सेगमेंट है, 32-bit का ऑपरेंड है इसमें, जीरो है तो फिर हमारे पास 8086 वाले ऑपरेंड है, ठीक है, यानी 16-bit के ऑपरेंड है, और ये हमारा 8086 का सेगमेंट है। तो उससे हम लोग को पता चलता था कि ये कैसा सेगमेंट है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मतलब तरीके हैं कि कैसे हम लोग जो है वर्चुअल 86 मोड को रन कर सकते हैं और कैसे कैसे स्विच होगा। तो दो तरीके से हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्चुअल 86 मोड में एंटर करता है और दो तरीके से एक्सिट करता है। ठीक है, चलो
डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ऐसे वर्चुअल 86 मोड के फीचर्स हैं। सबसे पहला जो आपके सिलेबस में टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ वर्चुअल 86 मोड, ठीक है। तो वही जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए सारे इसके फीचर्स ही थे, जैसे कि अब सेकंड राइज में इट इज अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक दैट अलाउड मल्टीपल 8086 प्रोसेसर टू बी इम्यूलेटेड बाय 386 चिप, यानी कि हम लोग एक ही बार में कई सारे मल्टीपल 8086 मशीन्स चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8086 को कितनी मेमोरी चाहिए थी, उसको चाहिए थी सिर्फ 1 MB। 8086 में हमारे पास जो एड्रेस बस थी वो 20 बिट की थी, तो 20 बिट यानी कि 2 की पावर 20, कहाँ लिखें 2 की पावर 20 यानी कि 2 MB, ठीक है, 2 MB नहीं सॉरी 1 MB, 2 की पावर 20 होता है 1 MB, तो सिर्फ 1 MB मेमोरी इसको चाहिए। और हमारे पास कितनी मेमोरी 8086 में, हाँ फिजिकल मेमोरी कितनी हमारे पास मैक्सिमम, यस 4 GB है ना, तो 4 GB में 4000 MB होते हैं, मतलब कमोबेश 4096 MB होते हैं, 4096 MB होते हैं हमारे पास। तो इतने सारी वर्चुअल 86 मशीन को अगर हम लोग 1 MB भी सबको देते हैं तब भी हमारे पास 4000 मशीन हम लोग वर्चुअल 8086 की इसमें रन करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मल्टी टास्किंग ऐसे नहीं होती कि एक ही बार में सारी चीज़ें रन कर रहे हैं, है ना, बल्कि क्या होती है कि एक बार में एक टाइम स्लाइस में हमने एक मशीन को रन कराया, फिर हमने इसको छोड़ के दूसरे को रन कराया, फिर इसको छोड़ के तीसरे को रन कराया, और ये हम कैसे कराते थे, टास्क स्विचिंग के थ्रू, याद है ना, टास्क स्विचिंग होती थी हमारे पास, एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क में चला गया, फिर दूसरे टास्क को छोड़ के तीसरे टास्क में चला गया, और ऐसे ही टाइम एक ही टाइम स्लाइसिंग में यानी एक सेकंड में वो 1000 बार स्विच कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि स्विच भी कर रहा है, हमें लग रहा है कि सारे के सारे प्रोग्राम एक जैसे चल रहे हैं, समझ आई बात। तो इसको कहते हैं टाइम स्लाइसिंग मेथड। तो टाइम स्लाइसिंग के थ्रू वो टाइम के छोटे छोटे स्लाइस में सारे प्रोग्राम्स को देता है और सबको मल्टी मतलब जो एक बार में चल रहे होते और सबको रन कराता है, तो ऐसा लगता है कि सबके सब एक साथ में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग मल्टीपल 8086 के मतलब एक हमने एक फिजिकल मेमोरी में 1 MB अलॉट कर दी, फिर हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है 8086 का, तो हमने दूसरी 1 MB अलॉट करी उसको और उसको हम लोग वहाँ पे रन करा रहे हैं और फिर इन दोनों में स्विच कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे सेगमेंटेशन स्कीम है वर्चुअल 86 में बिल्कुल उसी की तरह हो जैसी 86 में होती है, जैसे वहाँ पे हमारे 2 की पावर 20 बिट के एड्रेस पर 20 बिट के एड्रेसेस थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर एड्रेसेस होंगे 20 बिट के, क्या होंगे लीनियर एड्रेसेस, ठीक है, याद है ना, लॉजिकल हम लोग देते हैं उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे हम लोग वहाँ पे भी कन्वर्ट कर रहे थे 86 में भी हम लोग लॉजिकल एड्रेस देते हैं, वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता था और वो 20 बिट का एड्रेस होता था फाइनल, ठीक है। वैसे हम लोग उसी की तरह से यहाँ पर भी हम लोग 20 बिट अपने लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, वही फिर फिजिकल एड्रेस हो जाएगा अगर पेजिंग हमने 0 कर रखी है तो, सही है। तो व्हेन VM बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज सेट द 8086 विल एंटर द वर्चुअल मोड, जब भी हमारा VM बिट का फ्लैग VM सॉरी E फ्लैग के VM बिट जब भी हमारे पास बन होगी तो हमारा जो 386 है वो वर्चुअल मोड में एंटर कर जाएगा। अब जब भी वर्चुअल मोड में एंटर करेगा तो दो चीजों को चेक करेगा, कितनी चीजों को चेक करेगा, दो चीजों को चेक करेगा, सही है। पहली चीज क्या चेक करेगा, पहली चीज ये चेक करेगा कि वेदर टू एग्जीक्यूट 8086 प्रोग्राम वाइल लोडिंग द सेगमेंट रजिस्टर्स, ठीक है, कि जब वो रजिस्टर को लोड कर रहा है, सेगमेंट रजिस्टर्स को लोड कर रहा है तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर देखेगा उसका, है ना, तो ये चेक करेगा कि 8086 के प्रोग्राम रन कराने या 386 के प्रोग्राम रन कराने, सही है। अगर 86 के प्रोग्राम रन कराने तभी तो वर्चुअल 86 मोड में जाएंगे हम लोग। दूसरी चीज ये देखता है फाइंड द इंस्ट्रक्शन सेंसिटिव टू IOPL, कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसको IOPL से सेंसिटिव है तो इसके पास IOPL का एक्सेस नहीं होता। वर्चुअल 86 में हम लोग IOPL के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसका एक्सेस नहीं है, मतलब अगर कोई IO इंस्ट्रक्शन आती है वर्चुअल 86 में, देखो लास्ट टाइम हमने IO प्रोटेक्शन में ये पढ़ा था कि जब कोई IO इंस्ट्रक्शन आएगी तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर सबसे ज्यादा IOPL के पास, ठीक है, IOPL के पास गया, अगर वहां पर IOPL बिट हमारी 1-1 है यानी 3 पे चल रही है और हमारा मतलब सारी इंस्ट्रक्शन हमारी IOs को एक्सेस कर सकती है, तो फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को रन करा देगा, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा IOPL का जो प्रिविलेज लेवल है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा से मतलब न्यूमेरिकली कम है, 0, 1, 2 इस टाइप का, और हम जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो 3 लेवल पे, वर्चुअल 86 मोड के सारे प्रोग्राम यूजर लेवल 3 पे मतलब प्रिविलेज लेवल 3 पे एग्जीक्यूट होंगे, यानी यूजर लेवल पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। दो चीजें याद रखना, वर्चुअल 386 मतलब वर्चुअल 86 मोड में सारे प्रोग्राम प्रिविलेज लेवल 3 पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि पहले हम लोग जाए थे IOPL के पास, अगर IOPL परमिट करता था तो हम IO एड्रेस को IO इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते थे, ऑपरेट करते थे। अगर IOPL परमिट नहीं करता था तो हम फिर टास्क के टास्क स्टेट सेगमेंट में जाते थे और वहां पे IO बिट मैप देखते थे कि जो हम IO देना चाह रहे हैं उसके एड्रेस वाली जो बिट है वो 0 है या नहीं है। अगर वो बिट 0 है IO बिट मैप में तो इसका मतलब यह है कि हम ये वाली IO की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर वो बिट 1 है वहां पे इसका मतलब हम लोग वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते,
सही, लेकिन यहां पर वर्चुअल 86 मोड में IOPL से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो क्या होगा फिर? तो फिर ये सीधा जाएगा बिट मैप के पास, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टास्क है, इसका भी टास्क स्टेट सेगमेंट होगा, तो ये सीधा अपने टास्क स्टेट सेगमेंट में बिट मैप के पास जाएगा अगर कोई IO इंस्ट्रक्शन आती है तो, और वहां पर जाके उसकी बिट चेक करेगा जो IO एड्रेस हमें दिया है इंस्ट्रक्शन में, अगर उसकी बिट हमारे पास 0 है तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 1 है तो नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया, आगे चले। चलो तो ये था हमारे फीचर्स, ठीक है, फीचर्स के साथ साथ एडवांटेजेस, अगर फीचर्स लिखने को आते हैं या एडवांटेजेस लिखने को आते हैं, अगर सिर्फ एडवांटेज लिखने को आ रहे हैं तो आप सिर्फ ये वाले जो एडवांटेजेस मैंने इस स्लाइड में लिखे हैं सिर्फ ये आपको लिखने हैं, लेकिन अगर फीचर्स लिखने को आ रहे हैं तो आप दोनों चीजें लिखेगा, जो पहले लिखी गई वो भी और एडवांटेजेस भी वो, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एक तो यही एडवांटेज है कि हम एक ही मशीन पे कई सारी 86 मशीन लगा सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, समझ आए बात, कि हमें एक 386 हमारे पास उसको यूज करके हम कई सारे 8086 माइक्रोप्रोसेसर को इम्यूलेट कर सकते हैं, इससे कई सारे प्रोग्राम लोग एक साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मल्टीटास्किंग सिस्टम में हमारे पास एसेंशियल ये है कि हम लोग देखो एक 86 मोड में से दूसरे 86 टास्क पे डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते, अगर एक 8086 का टास्क हमारा चल रहा है तो पहले हमें वापस प्रोटेक्शन मोड में आना पड़ेगा, फिर हम इससे जब दूसरा 86 का जो टास्क है फिर हम उस वाले के पास जाएंगे दोबारा, समझ आई बात, डायरेक्टली स्विच नहीं हो सकता, सही है, एक बार बीच में आना पड़ेगा, कैसे, जैसे मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को, ये समझ लो एक घर है, एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ अकेडमी है जहां पे क्रिकेट की आप कोचिंग ले रहे हैं या बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड है, आप ऐसे ही खेलने जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप स्कूल से सीधा प्ले ग्राउंड चले जाएंगे, सही है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन सही नहीं है ऐसा करना, यूनिफॉर्म गंदी हो जाएगी ना, तो पहले वो क्या करेगा, स्कूल से पहले वापस आएगा घर पे, घर से फिर जो है कपड़े चेंज करेगा, फिर अपना जाएगा प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए, है ना। तो सेम मोड में यहां पर क्या है कि अगर दो 86 के प्रोग्राम भी चल रहे हैं तो पहले प्रोटेक्टेड मोड में वापस आता है, फिर देखता है अच्छा दूसरा भी 86 है, तो दूसरे फिर दोबारा से वर्चुअल मोड में एंटर करेगा, सही, समझ आई बात। तो यहां पर ये एडवांटेज क्या है इसका, बहुत रैपिडली स्विच कर सकता है प्रोटेक्टेड मोड में और वर्चुअल मोड के अंदर, स्विच बैक एंड फोर्थ रैपिडली बिटवीन द वर्चुअल 86 मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। मल्टीटास्किंग जब भी होगी तो हमेशा प्रोटेक्टेड मोड में आएगा उसको, फिर उसके बाद प्रोग्राम इन P86 मोड आर एग्जीक्यूटेड PL3, जो मैंने भी बताया था आपको कि हमेशा वो प्रीफिक्स लेवल 3 पे ही रन करेंगे सारे प्रोग्राम। उसके बाद मल्टीपल 8086 रियल मोड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन एग्जीक्यूट एट वन टाइम यूजिंग टाइम स्लाइसिंग, जो मैंने बताया मल्टीटास्किंग में हमारे पास टाइम स्लाइसिंग का यूज करके हम लोग एक एक चीजें सारे प्रोग्राम्स को टाइम दे सकते हैं। फिर VM86 मोड कुड बी यूज टू शेयर 1806 प्रोग्राम विद मैनी यूजर्स बाय पार्टिशनिंग द मेमोरी, ठीक है, वही चीज है कि मतलब हम लोग मल्टीटास्किंग के थ्रू अलग अलग यूजर्स को अलग अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सही है। फिर इसके बाद आता है हमारा हार्डवेयर मैनेजमेंट इन वर्चुअल मोड, ये आपके मेमोरी मैनेजमेंट, सॉरी ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉपरेशन और मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल मोड, दोनों लगभग सेम चीज है, दोनों में से कोई भी है आपको लिखना वही है जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं, बहुत कम कम लिख के चल रहा हूं, अब तुम ये मत कहना कि सर इससे भी शॉर्ट करो, इससे शॉर्ट मैं नहीं कर सकता, ये ऐसा है कि अगर तुम इसको लिख के आओगे तो 80% मार्क्स तुम मतलब 5 में 4 मार्क्स आ जाएंगे, 5 में 5 चाहिए तो इसके साथ और कोई डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा और एक ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ आई बात। जैसे अगर एग्जामिनर अच्छा होगा तो 5 में से 5 भी दे देगा, कोई ऐसी मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट वर्चुअल मशीन कब होगी, जब हार्डवेयर भी हो हमारे पास और सॉफ्टवेयर भी हो उसका, सही, सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, हार्डवेयर भी होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर दो तरीके से हमारे पास सपोर्ट आती है, हार्डवेयर सपोर्ट क्या है कि हम लोग उसको फिजिकल मेमोरी में वो 1 MB अलोकेट करके दे रहे हैं, ठीक है। 8086 को कितनी मेमोरी चाहिए, 1 MB चाहिए, है ना, तो वो 1 MB हम लोग अपने सेगमेंटेशन के थ्रू उसको लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर पेजिंग के थ्रू उसको फिजिकल मेमोरी में आ रहे हैं, लेकिन वो 1 MB हम उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं दे रहे, और वो सारे रजिस्टर्स दे रहे हैं जो उसको जरूरत है, ऐसा नहीं कि हम धोखा दे रहे हैं कि हाँ ठीक है हम आपको रजिस्टर देंगे और वो चला रहे हैं और हम उसको रजिस्टर को मेमोरी में कहीं उस रजिस्टर का डाटा मेमोरी में कहीं स्टोर करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि कुछ पेन ड्राइव्स आती थी ऐसी जो दिखाती थी उसको लगाओ तो दिखाई 32 GB, लेकिन जब उसमें डेटा ट्रांसफर करो तो ट्रांसफर हो जाता और जैसे ही पेन ड्राइव निकालो सब खत्म, मुश्किल से 2-4 GB की वो पेन ड्राइव होती थी, सही है। तो ऐसा नहीं कर रहे हम लोग उसको पूरा 1 GB का 1 MB का फिजिकल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, सही है। और दूसरा जितने रजिस्टर्स उसको चाहिए, 8086 में रजिस्टर होते थे AX, BX, CX, DX, EX, वो सारे हम लोग उसको दे रहे हैं, उसके बाद CS, SS, DS, FS सब दे रहे हैं, उसके अलावा हम उसको एक्स्ट्रा रजिस्टर्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उसके पास तो क्या था, CS, DS और SS और EX, सिर्फ 4 वहां पे सेगमेंट रजिस्टर्स थे 8086 में, लेकिन 386 में FF, FSB और GSB है, 2 एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स है हमारे पास, तो वो भी हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हार्डवेयर है, ये मतलब रजिस्टर्स हैं हमारे पास हार्डवेयर में मौजूद जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा एड्रेस स्पेस हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जो
हम जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन होगी जो हार्डवेयर, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएंगी इस एड्रेस स्पेस में, ठीक है। उसके अलावा फिर सॉफ्टवेयर कंट्रोल क्या है, सॉफ्टवेयर क्या इसके साथ में, कि सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है मशीन को कंट्रोल करना, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि अगर बाहर से कोई इंटरप्ट आती है, एक्सेप्शन आता है, तो उसको फिर ये डील करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर कंट्रोल द एक्सटर्नल इंटरफेसेस ऑफ द वर्चुअल मशीन, जैसे आईओ है, इंटरप्ट्स हैं या एक्सेप्शंस हैं। तो अगर वो चीजें आती हैं इस टाइम पे कहीं, जब ये हम लोग वर्चुअल 86 मोड में यूज कर रहे हैं, तो अब इसको तो अलाउड ही नहीं है आईओपीएल का, आईओ का और उसका, तो फिर उसको सॉफ्टवेयर डील करता है एक्सेप्शन कहीं पे आता तो, इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द लार्जर एनवायरमेंट इन विच इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है। क्योंकि वो जो बाहर की पिन है वो तो 386 की पिन है ना, 86 की पिन थोड़ी है, समझ गई बात। जो बाहर से पिन्स हैं, जो इंटरप्ट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, आईओज हैं, ये सब किसकी आईओज है, 386 की आईओज है, 86 की आईओज नहीं है। तो इसको सॉफ्टवेयर इस तरह से मतलब एग्जीक्यूट करता है कि वो हमारे 86 के साथ कंपेटेबल रहे, समझ में आई बात। फिर इन द केस ऑफ आईओ, सॉफ्टवेयर कैन चूज आइदर टू इम्युलेट आईओ इंस्ट्रक्शन और टू लेट द हार्डवेयर एग्जीक्यूट देम डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन, ठीक है। ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू चूज करेंगे कि चाहे तो जो आईओ इंस्ट्रक्शन है हमारी वो डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या फिर हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना करा के उसको मेमोरी के थ्रू, मेमोरी मैप डायो होती है हमारे पास, उसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या बिट मैप के थ्रू हम लोग उसको रोक भी सकते हैं, सही है। तो मैं ये बात, तो ये हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया, ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया टॉपिक हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉपरेशन, सही है। इसके बाद द रजिस्टर सेट अवेलेबल, वही जो मैंने बताया था कि रजिस्टर सेट जो इसमें अवेलेबल है उसमें वो सारे होंगे जो है, उसके अलावा FS और GS, फिर डीबग रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर और टेस्ट रजिस्टर, ये रजिस्टर हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं कभी कभी, यहाँ तो मुश्किल है लेकिन MCQs में आ जाता है कभी कभी, कंपिटेटिव एग्जाम में या वाइवा में पूछ लेते हैं कि बताओ वर्चुअल 86 मोड में और 86 मोड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या कौन से रजिस्टर्स वर्चुअल 86 मोड में एक्स्ट्रा होंगे जो 86 में नहीं थे। तो वो ऑब्वियसली बात है, जो रजिस्टर्स 8086 में नहीं थे वो यहाँ पर ज्यादा होंगे, जैसे 8086 में FS नहीं था, GS नहीं था, वो यहाँ पर है, कंट्रोल रजिस्टर्स नहीं थे वहाँ पे, वो यहाँ पर है, डिबग रजिस्टर नहीं था, वो यहाँ पर है, टेस्ट रजिस्टर नहीं था, वो यहाँ पर है, समझ में आई बात। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास एंटरिंग एंड लीविंग वर्चुअल मोड, वर्चुअल मोड में कैसे एंटर होंगे और कैसे निकलेंगे वहां से, सही है। तो दो तरीके हैं वर्चुअल मोड में एंटर होने के, दो तरीके क्या है कि पहले तो हमारे पास टास्क स्विच, कि हम लोग एक टास्क रन कर रहे थे जो 80386 का टास्क था, सही। तो हमारा माइक्रोप्रोसेसर 80386 के टास्क को ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड मोड में ही रन करता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड मोड में ही हमारे पास 32 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, सही। तो 80386 के टास्क को हमारा प्रोसेसर प्रोटेक्टेड मोड में रन कर रहा था, फिर वहां से एक टास्क स्विच हुआ। जब एक टास्क स्विच हुआ हमारा, अब जो नया टास्क है, अगर उस टास्क में, टास्क के अंदर सारी चीजें स्टोर होती है टास्क सेगमेंट में, जो नया टास्क है उसका टास्क सेगमेंट प्रोसेसर हमारा लोड करेगा, और जब उसको लोड करेगा नए टास्क के टास्क स्टेट सेगमेंट को, तो उसमें सारे रजिस्टर्स उसके पास होंगे, जिसमें फ्लैग रजिस्टर भी है हमारे पास, ठीक है। उस फ्लैग रजिस्टर की जो इमेज है वहां पे जो स्टोर्ड है, उस फ्लैग रजिस्टर की इमेज में हमारा माइक्रोप्रोसेसर चेक करेगा कि VM बिट 0 है या 1 है, जो नया TSS है उसके फ्लैग रजिस्टर की इमेज में वो चेक करेगा कि VM बिट 0 है या 1 है। अगर VM बिट 1 है, इसका मतलब ये जो टास्क स्टेट सेगमेंट इसने लोड किया है ये 8086 का टास्क था। अब ये क्या करेगा, अब यहां से VM 86 मतलब वर्चुअल 86 मोड में स्विच कर जाएगा, क्योंकि उसने देखा कि VM बिट हमारी 1 थी, सही है। अगर नहीं है 0 तो कोई बात नहीं, फिर तो प्रोटेक्टेड मोड में रहेगा ही। लेकिन अगर जो नया TSS इसने लोड किया है, इसमें जो फ्लैग रजिस्टर की इमेज है उस इमेज में VM बिट अगर 1 है, तो ये क्या करेगा, ये स्विच कर जाएगा हमारा वर्चुअल 86 मोड, ठीक है, क्लियर है। एक तरीका समझ में आया टास्क स्विच के थ्रू। दूसरा क्या है, दूसरा ये कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर एक 86 का टास्क रन कर रहा था, ठीक है, इसके पास आई एक इंटरप्ट, ठीक है। तो इंटरप्ट में मैंने बताया था बल्कि स्टार्टिंग में कि जब भी मल्टीटास्किंग होगी तो इंटरप्ट में आप ऑब्वियसली टास्क स्विच होगा, तो जब भी मल्टीटास्किंग होगी तो पहले हमारा माइक्रोप्रोसेसर वर्चुअल 86 मोड में मोड से आएगा प्रोटेक्टेड मोड में, उसके बाद वापस जाएगा अगर जैसा भी उसको करना है तो, अगर इंटरप्ट को सर्विस नहीं मिली तो भी वो वापस जाएगा वर्चुअल 86 मोड में। तो वो क्या करेगा, पहले आएगा वो प्रोटेक्टेड मोड में, इंटरप्ट आई हमारे पास, ठीक है। इंटरप्ट तो पता ही है आप लोगों को, नहीं पता तो अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम इंटरप्ट ही डिस्कस करने वाले, टेंशन मत लो। माइक्रोप्रोसेसर कोई भी काम कर रहा है, इंटरप्ट आई, अब इंटरप्ट की वजह से टास्क स्विच होगा हमारा, तो इस टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क के पास जाएगा। तो दूसरे टास्क के पास जब ही गया और इसने इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो इंटरप्ट के लास्ट में होते एक IRET इंस्ट्रक्शन है ना, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन, कि अब यहां से इसको वापस आना है, सही। तो अब ये क्या करेगा, अब यहां से जब वापस आएगा IRET से, तो अब वापस इसको कहां आना है भाई, ये मल्टीटास्किंग कर रहा था ना ये, तो
तो वापसी के लिए जो इंटरव्यू वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इसका भी एक टास्क स्टेट सेगमेंट होगा जिसमें इस वाले टास्क का जिसको छोड़ गया था 86 का जो टास्क था उसका बैकलिंक होगा, सही है। तो अभी क्या करेगा, जब यहां से आईरेट इंस्ट्रक्शन जब ये एग्जीक्यूट करेगा और एंटी बिट हमारी वहां पे वन होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये नेस्टेड इंटरप्ट, ठीक है। तो अब ये जब इसको यहां से वापस स्विच करेगा तो जब इसका TSS वापस से लोड करेगा तो देखेगा कि ये 86 वाला टास्क था, तो अब वापस से ये वर्चुअल 86 मोड में स्विच कर जाएगा। समझ आई बात, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। एंड आईरेट इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसीजर ऑफ एन 80386 टास्क, जो हमारा प्रोटेक्टेड मोड वाला टास्क था, लोड्स द इमेज ऑफ ई फ्लैग्स फ्रॉम द स्टैक, द वैल्यू ऑफ 1 इन VM बिट इन दिस केस इंडिकेट दैट द प्रोसीजर टू व्हिच द कंट्रोल इज बीइंग रिटर्न इज एन 8086 प्रोसेसर, सही है। जब हमारे पास ये इंटरप्ट, अच्छा स्टैक से सॉरी, यहां पर क्या होगा क्योंकि जब ये इंटरप्ट गया तो इसने जो अपना जब इंटरप्ट आई थी, अभी हम लोग इंटरप्ट प्रोसीजर जब डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब इंटरप्ट आती है तो ये अपने फ्लैग और रजिस्टर्स की वैल्यू स्टैक में स्टोर करके चला जाता है इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए। जब इंटरप्ट कोई वापस आके वापस से स्टैक से वैल्यू लेगा फ्लैग की, तो वहां फ्लैग में देखेगा कि VM बिट हमारी 1 है, तो जब ये वापस आ रहा है ऑब्वियसली वो 86 का टास्क था, तो इसलिए वापस से वर्चुअल 86 मोड में स्विच कर जाएगा। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास वर्चुअल 86 मोड में जिसके थ्रू हमारा माइक्रोप्रोसेसर एंटर करता है, सही है। अब निकलने के भी इसमें दो ही तरीके, यही दो तरीके निकलने के है ना, कि अगर हमारे पास जो टास्क स्विच है वो हो जाता है, द इंटरप्ट और एक्सेप्शन कॉजेज अ टास्क स्विच, ठीक है, कि हमारे पास कोई, हम लोग वर्चुअल मोड में काम कर रहे थे, एकदम से क्या हुआ कि कोई इंटरप्ट आई, ठीक है, या कोई एक्सेप्शन आया, इंटरप्ट और एक्सेप्शन भी एक टाइप का इंटरप्ट ही होता है, एक्चुअली हर इंटरप्ट एक्सेप्शन होता है, हर एक्सेप्शन इंटरप्ट नहीं होता, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज और थोड़ी क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये कि मतलब अगर कोई इंटरप्ट हमारे पास आती है तो और उसकी वजह से टास्क हमारा स्विच हो रहा है, ठीक है, एक तो ये छोटी सी इंटरप्ट थी, ये यहीं गया, इसने स्टैक में कन्वर्ट किया और जो ISR था इसका रन करके वापस फौरन इधर आ गया, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि इंटरप्ट पूरा टास्क ही स्विच कर रहा है कि इसका TSS वापस लोड हो गया, दूसरे का नया TSS फिर वो लोड हो रहा है, वहां से टास्क स्विच हो रहा है, तब भी दोनों ही केस में हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है वो 86 मोड से निकलेगा और प्रोटेक्टेड मोड में जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी मल्टीटास्किंग होगी तो हमेशा हमारा जो प्रोसेसर है वो पहले प्रोटेक्टेड मोड में आएगा, फिर अगर उसको दोबारा मान ली दूसरा टास्क जो है वो भी 86 मोड का है तो फिर वो दोबारा वर्चुअल 86 मोड में चला जाएगा, ठीक है। अ टास्क स्विच फ्रॉम V86 टास्क टू एनी अदर टास्क लोड्स ई फ्लैग फ्रॉम द TSS ऑफ अ न्यू टास्क, इफ द न्यू टास्क TSS इज एन 8086 TSS देन द VM बिट इन ई फ्लैग इमेज इज 0। अगर नया टास्क जो हम लोड कर रहे हैं अगर वो 386 का टास्क है तो ऑब्वियसली उसकी बिट जो है वो 0 होगी, तो फिर हमारा जो प्रोसेसर है वो फ्लैग जो रजिस्टर था उसकी VM बिट को क्लियर कर देगा और प्रोटेक्टेड मोड में एंटर हो जाएगा, समझ आई बात। दूसरा हमारे पास, अच्छा क्लियर क्यों कर रहा है फ्लैग को, अरे भाई देखो इसने जो सेव कर लिया अपने टास्क स्टेट से वो तो ठीक है, लेकिन फ्लैग में तो वैसी की वैसी बिट है ना वो, देखो जब हमारा किसी इमेज से अगर हम लोग लोड कर रहे हैं मतलब रजिस्टर में, तो VM बिट की वैल्यू IO बिट की वैल्यू कॉपी नहीं होती है, उसको माइक्रोप्रोसेसर उसको चेक करके फिर जाकर खुद उसको जीरो करता है, समझ आई बात। तो जब उसे देखेगा कि नया जो टास्क है ये 8086 का टास्क है तो फिर वो उस VM बिट को वापस से जीरो कर देगा कि अब ये प्रोटेक्टेड मोड में चलेगा, अब वर्चुअल मोड में नहीं चल सकता, सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, द इंटरप्ट एक्सेप्शन वेक्टर टू अ प्रिविलेज लेवल 0 प्रोसीजर, अगर हमारा जो इंटरप्ट है या कोई एक्सेप्शन है वो किसी ऐसे प्रोसीजर के पास जा रहा है जिसका प्रिविलेज लेवल 0 है, ठीक है, और हमारा जो वर्चुअल मोड है वो कैसा है, वो उसमें सारे प्रोग्राम PL3 पे वर्क कर रहे हैं, सही है। तो अगर किसी ऐसे टास्क पे स्विच कर रहा है, किसी ऐसे जो है सेगमेंट पे या ऐसे प्रोसीजर पे हमारा प्रोग्राम स्विच कर रहा है जिसको PL लेवल 0 चाहिए, तो फिर अब हमारा जो प्रोसेसर है 86 में तो PL लेवल 0 हो नहीं सकता, तो वहां से वो स्विच करेगा प्रोटेक्टेड मोड में क्योंकि वहां पे उसका प्रिविलेज लेवल 0 हो सकता है, ठीक है। द इंटरप्ट और एक्सेप्शन हैंडलर देयरफॉर एग्जीक्यूट्स एज नेटिव 8086 प्रोटेक्टेड मोड कोड, जो इंटरप्ट का इसका इस इंटरप्ट का जो भी ISR होगा इंटरप्ट एक्सेप्शन हैंडलर होगा या इंटरप्ट हैंडलर होगा, तो अब क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये CPL0 का, तो अब इसको वर्चुअल 86 मोड में रहकर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो अब इसको वापस से प्रोटेक्टेड मोड में आना ही पड़ेगा, समझ आई बात। दो तरीके हैं एंटर करने के, टास्क स्विच या फिर इंटरप्ट से वापस आते हुए आईरेट इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और दो तरीके हैं एग्जिट करने के, टास्क स्विच इंटरप्ट के थ्रू हो या तो इंटरप्ट या एक्सेप्शन के थ्रू टास्क हमारा स्विच हो रहा है और नया टास्क जो 386 का टास्क है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड मोड में चलेगा, और दूसरा ऑप्शन ये कि कोई और ऐसे प्रोसीजर की तरफ हमारा प्रोसेसर जा रहा है जो जिसके लिए CPL0 रिक्वायर्ड है, तो अब इसको CPL0 के लिए वर्चुअल 86 मोड में से निकलना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड मोड में आना पड़ेगा, सही है। फिर हमारे पास ये है,
इसमें मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट मैनिपुलेट द वीएम फ्लैग बिट डायरेक्टली। मैंने बताया सॉफ्टवेयर के पास जो है इसको करने के, इसको प्रोसेसर ही सिर्फ इसको चेंज कर सकता है, बट रादर मैनिपुलेट द इमेज ऑफ द ई फ्लैग रजिस्टर दैट इज स्टोर्ड इन द स्टैक और इन द टीएसएस। अगर हमें कभी चेंज भी करना है तो जो स्टैक और टीएसएस में स्टोर होता है उसको हमारा सॉफ्टवेयर चेंज करता है, उसको देख के माइक्रोप्रोसेसर फिर वीएम बिट को चेंज करेगा। द V86 मॉनिटर सेट द वीएम फ्लैग इन द ई फ्लैग इमेज ऑन द स्टैक और इन द टीएसएस व्हेन फर्स्ट क्रिएटिंग द V86 टास्क। जब हमारा V86 टास्क क्रिएट होता है सबसे पहले, तो जब हमारा टास्क की इमेज सेव होती है उसमें टास्क स्टेट सेगमेंट में, तो जो इसका मॉनिटर प्रोग्राम होता है BIOS होता है 8086 वाला, V086 का एक मॉनिटर प्रोग्राम होता है ये, यहाँ पर देखो ये V86 मोड है, वर्चुअल 86 मोड है, और यहाँ से जब ये इंटरप्ट को एक्सेस करता है तो पहले मॉनिटर प्रोग्राम में जाता है, तो ये चेक करता है कि इसको प्रोटेक्टेड मोड में भेजना है कंप्लीटली या यहीं से वापस कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब इसको सेव करता है टीएसएस में तो इसके फ्लैग की जो बिट होती है उसको ये वन कर देता है, जिससे कि जब माइक्रोप्रोसेसर जब दोबारा इस टास्क को उठाए तो उसको पता चल जाए कि 86 का टास्क है, 386 का टास्क नहीं है। सही, एक्सेप्शन इंटरप्ट हैंडलर्स कैन एग्जामिन द वीएम फ्लैग ऑन द स्टैक इफ द इंटरप्टेड प्रोसीजर वाज एग्जीक्यूटेड इन V86 मोड, द हैंडलर मे नीड टू इनवोक द V86 मॉनिटर। जब हमारा टास्क स्विच होगा दोबारा से और नया टास्क स्टेक सेगमेंट में उसने देखा कि वीएम बिट हमारी 1 है, तो फिर वो क्या समझेगा कि वर्चुअल 86 मोड का काम है, तो फिर वो इसको इन्वोक करेगा कि भाई चलो जागो, अब तुम्हारा काम आ गया, ये टास्क तुम्हें दे रहा हूं, ये वर्चुअल 86 मोड में चलाना है। समझ आई बात? तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके निकलने के, दो तरीके एंटर होने के, सही है, सॉरी दो तरीके एंटर होने के, ये वाला आईरेट और एक टास्क स्विच, प्रोटेक्टेड मोड से टास्क स्विच हुआ वर्चुअल 86 मोड में आ गया, या फिर जो मॉनिटर था यहीं पे इंटरप्ट प्रोग्राम चल रहा था, यहां से आईरेट इंस्ट्रक्शन आई तो ये वापस आ गया इसमें। ठीक है, निकलने के भी दो तरीके, यहाँ पे हमारा 86 में प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे इंटरप्ट आई, एक्सेप्शन आई, तो यहां से निकल के ये मॉनिटर प्रोग्राम में आ जाएगा जो कि प्रोटेक्टेड मोड में ही चलता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्ट और एक्सेप्शन को मॉनिटर प्रोग्राम भी हैंडल कर सकता है, मतलब इतना भी है इसका कि इंटरप्ट, कुछ इंटरप्ट यहाँ पे भी वो हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई इंटरप्ट टास्क स्विच करा रही है तो फिर वो प्रोटेक्टेड मोड में ही आएगा इधर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है कि टास्क स्विच अगर होगा तो ये वापस इधर आ जाएगा। सही, और अगर दूसरा क्या है कि अगर टास्क डायरेक्टली टास्क स्विच हो गया, मल्टीटास्किंग हम लोग करें, डायरेक्टली टास्क स्विच अगर हो रहा है तो फिर हमारा सीधे प्रोटेक्टेड मोड में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, रैपिड स्विचिंग होगी बिटवीन वर्चुअल 86 एंड प्रोटेक्टेड मोड। सही, फिर इसी यूनिट में लास्ट में ये था कि वर्चुअल 86 में आईओएस कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो वर्चुअल 86 में आईओएस जो होती है, वैसे एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट दो बार आया हुआ है अभी तक, उसमें सीधा उन्होंने डिफरेंस ही पूछा है, डिफरेंस बिटवीन आईओ मैप्ड आईओ एंड मेमोरी मैप्ड आईओ। ये हम लोग पहले भी इनसेम के केस में शायद डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस यूनिट में आ चुका है, पूछा है इस यूनिट में क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डिफरेंसेस नोट कर दिए कि आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या फर्क होता है। आईओ मैप्ड आईओ में हमारे पास जो आईओज होते हैं वो कितने 16 बिट के होते हैं, एड्रेसेस, आईओ के एड्रेसेस हमारे पास 16 बिट के होंगे, और आईओ डिवाइस को हम लोग एज एन आईओ डिवाइस ट्रीट करते हैं। ठीक है, आईओ डिवाइस है, उसको एज एन आईओ डिवाइस ट्रीट करते हैं और उसके जो एड्रेस है 16 बिट के होंगे। लेकिन जब इसी आईओ को अगर हम लोग ने मेमोरी मैप्ड आईओ कर दिया तो क्या होगा, अब इन आईओ डिवाइसेस को हम लोग एज अ मेमोरी ट्रीट करेंगे कि हम लोग जो मेमोरी में सिग्नल दे रहे थे वो हम इस आईओ के एड्रेस पे हम लोग देंगे, और इसमें जो होगा इसके जो एड्रेसेस होंगे अब 20 बिट के होंगे। पहले इंटेल के सारे आईओ के जो एड्रेस हैं वो 16 बिट के होते हैं। सही है, अब अगर हमने इसको मेमोरी मैप्ड आईओ कर दिया तो अब हमारे पास क्योंकि वर्चुअल 86 मोड में कितने बिट के एड्रेस होते हैं, 20 बिट के, प्रोटेक्टेड में 32 बिट के होते हैं, वर्चुअल में 20 बिट के होते हैं, तो वर्चुअल 86 मोड में हमारे पास यहाँ पे 20 बिट के मेमोरी एड्रेसेस होंगे। ठीक है, इसमें फिर इसके पास जो पिन होती है, माइक्रो प्रोसेसर की पिन होती है, तो उसमें हमारे पास आईओ आर और आईओ डब्ल्यू होते हैं रीड एंड राइट के लिए, तो वो पिन हमारी आईओ से कनेक्टेड होंगी, और अगर हमने इसको मेमोरी मैप्ड आईओ कर रखा है तो अब हमें उन आईओ से मेमोरी रीड और मेमोरी राइट वाले सिग्नल ले जाके कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे कि वो आईओ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, डिकोडिंग इसमें आसान है क्योंकि 16 बिट के वो एड्रेस है, इसमें मुश्किल होगी कि 20 बिट के एड्रेस है, 20 बिट को डिकोड करना और ज्यादा गेट्स लगेंगे। अब ज्यादा गेट्स लगेंगे तो ऑब्वियसली जब ज्यादा बड़ा सर्किट होगा तो महंगा होगा, और कम छोटा सर्किट होगा तो सस्ता होगा, तो उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ये चीपर होगा या एक्सपेंसिव होगा। सही, ये फास्टर है क्योंकि कम डिले होगा, जब जितना छोटा सर्किट होगा उतने कम गेट का डिले होता है ना, आपको पता होगा कि हर लॉजिक गेट का एक अपना डिले होता है, तो जितना छोटा सर्किट होगा उतना कम डिले होगा तो ये फास्ट हो जाएगा, जितना बड़ा सर्किट होगा उतना ज्यादा डिले होगा तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम 2 की पावर 16 आईओज हमारे पास आ सकती है 8 बिट की, अगर 16 बिट की आई होगी तो ये नंबर आधा हो जाएगा, और जो है 32 बिट की होगी तो और छोटा हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि जितने भी 20 बिट के हमारे पास टोटल है तो 20 बिट्स का एड्रेस है, चाहे जितने तुम आईओ से कनेक्ट कर लो 2 की पावर 20 तक कनेक्ट हो जाएंगे। सही, फिर इसमें आईओ डिवाइस कैन ओनली बी एक्सेस बाय इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शन चलेंगी।
तो ये ना कि यहाँ तक तो सारे इसी के फायदे नजर आ रहे हैं आईओ वाले के, इसके नुकसान ही नजर आ रहे हैं, है ना, कि भाई हर जगह ये बड़ा भी है, महंगा भी है, डिले भी इसमें ज्यादा हो रहा है। लेकिन फायदा क्या है, फायदा यह है कि इससे तो हम सिर्फ इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, सिर्फ डेटा या तो जा सकता है या आ सकता है, यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ का मतलब क्या है, सब कुछ का मतलब ये कि मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एडिशन, लॉजिकल एंड लॉजिकल और सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं अगर हमने इसको मेमोरी मैप्ड आईओ में रखा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओनली एल एच एक्स रजिस्टर सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, है ना, आईओ से, क्योंकि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है इसमें एक ऑपरेंड हमारा ए रजिस्टर रहता है, एक्यूमुलेटर रहता है, सही है। इन वाले में जब मेमोरी में तो फिर किसी भी रजिस्टर से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सही है। फिर पॉपुलर टेक्निक, ये माइक्रो प्रोसेसर में जनरली हम लोग आईओ मैप्ड आईओ रखते हैं, और हमारे पास जो मेमोरी मैप्ड आईओ होती है ये यूज होती है माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक डिफरेंस ये भी होता है कि यहाँ पे हम लोग आईओ मैप्ड आईओ यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, और वहां पे हम लोग मेमोरी मैप्ड आईओ यूज करते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, उम्मीद है कि अच्छा होगा। 5 यूनिट कंप्लीट हो गई है, कोशिश करेंगे कि 6 यूनिट जो है वो 2 या 3 लेक्चर में मैक्सिमम निपटा दो, टाइम मेरे पास भी कम है, मुझे भी निकलना है तो नहीं हो पाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कोशिश करूँगा कि वन शॉट वीडियो बना दूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इतना टाइम मिल पाएगा। तो अभी से तुम लोग इन वीडियोस को पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स बहुत छोटे बनाए हैं मैंने, बहुत शॉर्ट है, एक एक टॉपिक का मुश्किल से 1 या 2 स्लाइड है, उसको तुम पेज में लिखोगे तो 1-2 पेज ही बैठेगा, ठीक है। तो करना क्या है, डॉटेड व्हाइट पॉइंट वाइज लिखना है आंसर को, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए बाय।